सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 25th ऑफ दिसंबर और क्रिसमस है। सबको मेरी क्रिसमस। और अभी हमें मैकलॉडगंज में ये होटल ही है, रात को सो गए थे, बहुत अच्छी नींद आई और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और होटल से आप पीछे व्यू देखिए, और वो ऊपर जो पहाड़ी है वो मेरे हिसाब से त्रिउंड की पहाड़ी है। सो देखते हैं वहाँ जा होगा कि नहीं ट्रैकिंग पे, बट व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या माउंटेन्स और ग्रीनरी है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। सो अब करना ये है, थोड़ी सी स्कूटी की टाइमिंग एडजस्ट करनी है, और शुभम की स्कूटी की लाइट बंद हो गई है, उसको थोड़ा सा देखना है और नट्स बोल्ट टाइट करके फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस सारा सामान माउंट हो चुका है एक्टिवा पे, और बस अब कोल्ड स्टार्ट करके निकलना है डलहौजी के लिए। रास्ते में ब्रेकफास्ट होगा, सो चलते हैं अब डलहौजी। जो हम मैकलॉडगंज से निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं जो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको मार्केट दिखाई थी वही मार्केट है मैकलॉडगंज की। और साइड पे आप स्टॉल वगैरह ये देख सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है बेसिकली सारा, और आप यहाँ से कुछ भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। सो ये अभी होटल से कुछ ही किलोमीटर किए थे, और आप देखिए कितना व्यू अमेजिंग है सामने का, और पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम सनलाइट उनके ऊपर पड़ रही है, और देख के एकदम दिल खुश हो गए। सो आप भी एक बार अगर आते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए। सो रहा है यहाँ पे विनोद चाट भंडार पे, एज यूजुअल चने भटूरे पंजाबियों का ब्रेकफास्ट, और बहुत टेस्टी है। अब ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं फिर। स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, और विनोद चाट भंडार है, ये बहुत ही अच्छा खाना था और काफ़ी अच्छे प्राइस पे खाना था। ये धर्मशाला में है, तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है यहाँ पे आके तो आप इस जगह को ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। सो अब निकलते हैं डलहौजी के लिए। सो अभी हम खड़े हुए हैं धर्मशाला वाले मेन चौक पे, और यहाँ से मुझे राइट लेना है डलहौजी के लिए। सो लेते हैं राइट और चलते हैं आगे। सो गाइस वहाँ से राइट लेने के बाद बहुत ही अच्छा रोड मिल गया, और यहाँ से कांगड़ा एयरपोर्ट है अराउंड 1 किलोमीटर, और स्ट्रेट स्ट्रेट रोड है, पहाड़ों से बोर हो गए थे, थोड़ा सीधा रोड मिला हाईवे जैसा। सो अब खींच रहे जितना खींच सकते हैं और चलते हैं आगे। सो गाइस जब इस साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग डलहौजी 118 किलोमीटर, सो अब 118 किलोमीटर जैसे पहाड़ आ चुके हैं, और पहाड़ों में चलाना है तो काफ़ी टाइम लगेगा जाने में। और ये एक छोटा सा ब्रिज है पानी के ऊपर, काफ़ी अमेजिंग व्यू है इसका। और ये आ गए हमारे पहाड़ वापस, सो चढ़ते हैं इनके ऊपर। सो गाइस अभी रास्ते में रुके हैं पानी पीने के लिए और ब्रेक लिए छोटी सी, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे, इन द मिडल ऑफ नोवेयर वाली फीलिंग आ रही है। पीछे बस कोई गाड़ियाँ बहुत कम है, इधर रश नहीं, और पीछे चढ़ते जाने वाला हिसाब है, व्यू आप देख सकते हैं। सो और अभी यहाँ से डलहौजी है 60 किलोमीटर्स, और 60 किलोमीटर्स पहाड़ी, सारा कुछ सारा रास्ता पहाड़ी है। सो अब चलते हैं डलहौजी, और स्कूटी ठीक चल रही है बिल्कुल।
सो गाइस जा रहे हैं और शुभम के कार्बोरेटर में कोई दिक्कत आ रही है, बार बार रेस छोड़ रहा है वो और साइलेंसर से अजीब सी आवाज़ आ रही है, हवा लीक होने की। बट 8 नंबर की चाबी नहीं है जिससे कार्बोरेटर खोल सकें। सो 34 किलोमीटर बाद नियरेस्ट पंप है, वहाँ पे जाने की तैयारी हमारी। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, छोटी सी रोड है, सिंगल रोड वाला हिसाब है। नगर चुवाड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है भाव। चलो रेजिडेंशियल एरिया और एक पेट्रोल पंप मिल गया फाइनली, तो चलते हैं और भरवाते हैं पेट्रोल यहाँ पे। सो गाइस पेट्रोल भरवा लिया, अब जडुए की खजियार जाएंगे और लगा दिए जीपीएस में। सो चलते हैं खजियार, यहाँ बोर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग से लगे। अब हम सही जा रहे हैं खजियार की तरफ, रोड सी बुरी हालत, चढ़ाई एड मैक्स। सो गाइस अभी हमने जस्ट जोत क्रॉस किया था और जोत क्रॉस करते ही देखिए स्नो मिल गई है हमें। ये पुरानी बर्फ़ है, फ्रेश तो नहीं है, अभी किसी लोकल ने बताया एक हफ्ता पहले पड़ी थी बर्फ। और क्या व्यू है मैन, अब लग रहा है कि हाँ ट्रिप सक्सेसफुल हो रही है धीरे धीरे। अभी जा रहे हैं खजियार की तरफ और आप देख सकते हैं व्यू। आगे जो पहाड़ है सारी पे स्नो है और ये वेलकम है, आज क्रिसमस मन गया, बहुत बढ़िया। और अब ये ध्यान रखना कि इधर ब्रेकिंग बहुत कम करनी है बर्फ़ के ऊपर अगर जाते हैं, नहीं तो फिर भगवान भरोसे ही है। छोटे टायर्स हैं यही नुकसान होता है, हैंडलिंग कम होती, ब्रेकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, गियरलेस एक्टिवा। सो गाइस जोत के बाद बर्फ़ और बर्फ़ के बाद अब खजियार के लिए और चंबा के लिए उतराई ही उतराई है, बस हम फ्लो में नीचे जा ही रहे हैं। और अभी खजियार है 14 किलोमीटर और ये आ गई एक मिनी वाटर क्रॉसिंग और रेस नहीं छोड़नी है। सो हो गई क्लियर, अप डाउन फिर से। सो गाइस अब खजियार यहाँ से 7 किलोमीटर है और अब फिर चढ़ाई शुरू है और वो नीचे का जो रोड है वो जाएगा चंबा की तरफ। सो चलते हैं खजियार। सो गाइस ये आ चुका है हमारा खजियार, आप देख सकते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी और ये एक ही बड़ा सा ग्राउंड है बस हरे रंग का। और चलते हैं आगे और यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग वाला सीन और पैराग्लाइडिंग का सीन मिल जाएगा। और ये शुभम। सो गाइस अभी खजियार एंटर हुए थे, मुझे मिल गए सूर्य भैया, बिग रोस्टर। हाय व्हाट्सअप यू ऑल। और ये दिल्ली से हैं, अमृतसर गए थे पहले गोल्डन टेम्पल, बट अमृतसर में मिलना नहीं हुआ था इनका, मुझे मैसेज आया था कि अमृतसर में मिलेंगे, बट इवेंचुअली मैं इधर से आ रहा था और ये इनकी टैक्सी खड़ी है, ये जा रहे थे। और यार सीरियसली बताऊं इवेंचुअली 1 मिनट का गैप आया बस और उसी में मिल गए, और कोई हमारी बात नहीं हुई थी कि मिलेंगे, बस ये हम निकल रहे थे और एकदम से हम आ रहे थे। तो अभी मैं जाऊंगा वहाँ ग्राउंड की तरफ और दिखाता हूँ आपको सारा व्यू और भैया को बोलते हैं बाय बाय, ये निकल रहे हैं अभी चंबा के लिए। सो गाइस ग्राउंड में अब हम कुलचे छोले खा रहे हैं और भरे हुए हैं ये 30 रुपीज ईच, सो आएंगे जरूर ट्राई करें। सो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है, अब हम खजियार ग्राउंड निकल रहे हैं
और अब हम जाएंगे सीधा डलहौजी। चंबा हम कर रहे हैं कैंसिल, एक तो वो नीचे है काफ़ी ज़्यादा और 7 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा 20 और आगे जाना पड़ेगा। फिर सुबह डलहौजी जाने के लिए हमें ये वाला रोड लेना है, सो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा हमें, तो इसलिए हम सीधा डलहौजी जा रहे हैं और रात का स्टे डलहौजी में होगा। सो अब चलते हैं। सो भाई जब यहाँ से डलहौजी है 22 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, 1 घंटा लगेगा हमें जाने में। सो चलते हैं डलहौजी और दिन ढलने वाला है, सो लेट्स गो। डलहौजी 18 किलोमीटर और इन लाइट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है पहाड़ों में भी, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये व्यू है और ऑन करने पे, और अंधेरा हो चुका है इधर ऑलमोस्ट। फिर से यहाँ पे हमें स्नो मिली है हल्की हल्की और डलहौजी में शायद बर्फ़ हो, चंबा में बर्फ़ नहीं थी इसलिए भी प्लान हमने ड्रॉप किया वो वाला। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. सो ये हम एंटर करके डलहौजी और ये डलहौजी पब्लिक स्कूल और यहाँ पे अब होटल ढूंढेंगे। सो गाइस होटल में पहुंच चुका हूँ, होटल हमने ले लिया अभी डलहौजी में। जब 9:30 हो रहे हैं रात के और स्नैक्स हमने खा लिए हैं, चिप्स वगैरह, और अब हम जा रहे हैं बाड़मेर करने और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, मफलर मैंने डाले गले में और कैप इसके बाहर डालूंगा। सो अब डिनर करते हैं और आपको रोड दिखाते हैं। शेर है पंजाब। सो गाइस अब खाना आ चुका है शेर पंजाब रेस्टोरेंट का हमारा, और बटर चिकन और बटर नान पंजाबियों का फेवरेट फूड, सब खा के बाहर निकलते हैं और फिर बाहर हमने स्वीट डिश लेनी है। डिनर करने के बाद बाहर स्वीट डिश चल रही है, या गरम गरम गुलाब जामुन, और ये है गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठंडे होने रखे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है, ये जो स्कूटर है ये बेसिकली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रैम्बो डलहौजी, तो ये उनका स्कूटर है और उन्होंने काफ़ी एज है इस टाइम, वो चंडीगढ़ में है और सारा टाइम खाने पीने काम किया, और कोई मूवी भी थी तेरे संग जिसमें वो आए थे अभी भैया ने बताया हमें, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी मुझे, सो मैं भी जाके इस पर रिसर्च करूँगा। सो अब खाते हैं गुलाब जामुन और ये लगे हुए ठूसने एज यूजुअल। सो गाइस अभी बस पठानकोट से जलंधर जा ही रहे थे और यहाँ पे एक सीन हो गया है।